जैसे सवाल ये है ट्रिकी क्वेश्चंस में, इफ द कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन इज पॉजिटिव देन आर, कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन आर स्क्वायर को कहते हैं, अगर वो पॉजिटिव है तो भाई फिर क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन तो हमेशा पॉजिटिव होता है, आर का साइन क्या होगा, मस्ट बी पॉजिटिव, मस्ट बी नेगेटिव, माइट बी एनी नन ऑफ दीज। तो आर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। देखिए कैसा मजे का सवाल है, उसने कहा कि आर स्क्वायर अगर पॉजिटिव है तो क्या आर पॉजिटिव होगा, आप कहेंगे पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि आर स्क्वायर जो है वो आर का स्क्वायर होता है, तो अगर पॉजिटिव वैल्यू होगी उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव बन जाएगा, नेगेटिव वैल्यू होगी उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव बन जाएगा, तो करेक्ट आंसर इज माइट बी एनी। इफ आर रेंजेस फ्रॉम +0.9 टू +0.1, यानी कि आर का जो साइन है वो प्लस है, यानी कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और 0.9 से 1.0 के दरमियान में है, यानी कि बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। ठीक है जी, परफेक्ट नहीं कह सकते क्योंकि परफेक्ट तब होगा जब आंसर वन होगा, ठीक है जी, और नन ऑफ दीज तो खैर बहरहाल नहीं होगा क्योंकि हम करेक्ट आंसर तक पहुंच चुके हैं।